press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल My Smart World में। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे हम GDS रिजल्ट के बारे में, जो आप कुछ लोगों के आपके सवाल थे उनके बारे में बात होगी इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाब देना। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आया हुआ है, सर हम सपना सिंह, मेरा 87% है, क्या इसमें सिलेक्ट होने का चांसेस है? OBC हूँ, OBC कैटेगरी है इनकी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका चांसेस इसमें है, क्योंकि यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज है, उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस 80-90% है। और उसके बाद रिजल्ट बाद जो बात की है 85% इनका, इनकी पूछ रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। जी हाँ, आपकी सिलेक्शन के चांसेस है, जिनकी परसेंट 85 से अब उनके चांसेस यूपी में चांसेस है, लेकिन अगर वहाँ भी CBSE वाला फंडा रहा तो उसमें चांसेस कम भी हो सकते हैं। वही बात करते हैं, एक और यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, MP का GDS रिजल्ट कब आएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, MP का जो GDS रिजल्ट है वो अभी नेक्स्ट मंथ ही रिजल्ट आने शुरू होंगे, तो आप वेट कर लीजिए अभी लगभग 2 हफ्ते का, तो 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आने फिर से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सेम यही सवाल है, MP का रिजल्ट कब आएगा, मैंने आपको बता दिया। बिहार GDS का रिजल्ट जो आया था उसमें ये पूछ रहे हैं, कुईमा कटिहार जो सर सर्कल है वहाँ का रिजल्ट नहीं आया है, तो ये रिजल्ट PDF के लास्ट में, तो इसके बारे में आपका सवाल मैंने देख लिया है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा कि रिज़ल्ट अगर नहीं आया तो उसके बारे में मैं पूरी कोशिश करूंगा बात करने की डिपार्टमेंट से, और इसका आपको सवाल जवाब ज़रूर दूंगा। उसके बाद यही क्वेश्चन आया है यूपी का रिजल्ट अब समय सबसे लास्ट में आएगा, और ये मई मंथ के एंड तक आने के इसके चांसेस है। और उसके बाद झारखंड का पूछ रहे हैं कि वेरिफिकेशन कब तक होगा। फ्रेंड जो वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ से कॉल आएगा, यहाँ से आपको एक लेटर आएगा, तो उसका ये आपको जो मैक्सिमम इसमें 2 मंथ लगते हैं मैक्सिमम, तो इसमें मतलब ये आपको नेक्स्ट 1 मंथ में आ जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं बिहार का रिजल्ट, मैंने बता दिया आपको बिहार का रिजल्ट अभी नेक्स्ट मंथ में शुरू होंगे आना रिजल्ट सारे ही, और तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस तरह से आपके सवाल थे, तो ये मैंने आपके सवाल के जवाब दे दिए हैं, तो इसलिए अगर आपको कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट में जरूर करें, कमेंट में अपने सवाल रखें, हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।